और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आपदा प्रबंधन योजना का शुभारंभ किया। आपदा प्रबंधन तंत्र सुदृढ़ीकरण करते हुए गोमतीनगर विस्तार में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया। 1.5 एकड़ में बनने वाले इस भवन की कुल लागत 66.40 करोड़ आएगी। शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद राज्य आपदा प्रबंधन में मजबूती आई और यह सब संभव हो सका है डबल इंजन की सरकार से। कितना बरसात हुई है, कितनी आवश्यकता है, इसको मापन के यंत्र अगर हम न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर लगा लेंगे तो सूखा की समस्या भी नहीं आएगी और किसान को कब अपनी फसल बोना है इनके बारे में भी हम लोग उनको समय पे वे लोग अलर्ट होकर के अपनी तैयारी कर सकेंगे। और भी अन्य कदम उठाए जा रहे हैं और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जब 17 में आए थे हमने एसडीआरएफ की 3 बटालियन उत्तर प्रदेश के अंदर गठित की। एसडीआरएफ का आज अपना मुख्यालय है, एसडीआरएफ के पास अपने इक्विपमेंट है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ उत्तर प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में बेहतरीन कार्य कर रहा है। पीएससी की फ्लड यूनिट के साथ इस कार्यक्रम को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाता है और आज ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के 25 जनपदों में आपदा मित्र के रूप में इन नौजवानों को मैं देख रहा हूं जो आज यहाँ पर आकर के एसटीएमए के इस भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जो आपदा के समय एसडीआरएफ एनडीआरएफ या अन्य कार्यक्रमों अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के राहत कार्यों को प्रबंधन के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह एक अच्छी शुरुआत है।